हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना गाइडलाइन के बारे में करवाया अवगत। जिला प्रशासन ने राज्य के गृह विभाग के निर्देशों की पालना में जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में बाजार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे से बंद करवाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिले में अब अन्य किसी भी प्रदेश से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि राज्य गृह विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोह एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमत करने के साथ ही कोरोना उपचार एवं जांच व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से जारी निर्देशों के अनुसार 25 मार्च से पाली जिले में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी, अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए एकांतवास में रहना होगा। जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को अपने अपने जिलों में संस्थागत एकांतवास की व्यवस्था दोबारा शुरू करने को भी कहा है। सरकारी कार्यालयों में भी कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाएगा। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे कारोबार बंद करने की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। उन्होंने बताया जहां भी 5 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी। जिले के सभी प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इसे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इसमें स्क्रीनिंग एवं रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि पाली नगरीय क्षेत्र में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी। धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सवों, त्योहारों, मेलों आदि में प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करेंगे। नो मास्क नो सर्विस, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के आया है तो उसको सर्विस नहीं देनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति देखते हुए हमारे को मिलता है कि कोई ऐसी सिचुएशन करता है तो उसके ऊपर भी जुर्माने का प्रावधान है और हम चाहेंगे नहीं, परंतु यदि ऐसा होगा तो जुर्माना सख्त से सख्त रूप से लगाया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।